बिखरी है इस गांव में भी 90% आदिवासी है और आजू बाजू में बहुत से ऐसे गांव है जहां पे पूरे आदिवासी गोंड समुदाय के हैं। आज हम कुछ अलग टॉपिक लेंगे क्योंकि आज तक जितने भी बताए सभी ने पेन पुरखा और हमारा संस्कार सभ्यता कोयावन सब कुछ बताए, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले हमने खुद को जागृत करना है। खुद को जागृत, हम दूसरे को सुधारने चले, हम दूसरे को ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन हमारे घर में क्या है यह अभी तक हमने जाना नहीं है। हमारे ही घर में 36 कोटि देवों की हम पूजा करते हैं, 36 कोटि देवों की पूजा करते हैं। आज भी हम बाहर लोगों को ज्ञान बांटते हैं कि जय सेवा बोलो, और हमारे घर में देवियों पीतल के देविया जो दुर्गा देवी सरस्वती लक्ष्मी इनकी पूजा हम हमारे घर में करते हैं। तुमको पूरी तरह गोंड या कोयावंशी, कोयावंशी का अर्थ मालूम है? कोयावंशी का अर्थ होता है जो माँ के गर्भ से पेट से पैदा हुआ उसको बोलते हैं कोयावंशी। जो मूर्तियां आपने खरीदी आपके घरों में है, जितनी भी मूर्तियां आपने दुर्गा देवी लक्ष्मी सरस्वती जितनी भी देवता है का आप पूजा पाठ करते अपने घर में, ये कोयावंशी नहीं है और ना माँ के पेट से जन्म लिए वाले ये कोई नहीं है। तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु ये कोई नहीं है, ये काल्पनिक है और ओरिजिनल जो है वो केवल कोयावंशी है जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ। जो बच्चा 9 महीने अपने पेट में माँ पालती है फिर उसको जन्म देती है, वो आप ये गोंडवाना लैंड के गर्भभूमि से निकले वेले आप एक हीरे हो, आप हीरे हो, गोंडवाना लैंड के एक आप अधिकारी हो। हमारा घर सुधारो, हमारे घर में इतने देवी देवता रखे वो सुधारो। तुम अपने माथे पे कुंकू लगाते हो, ये आदिवासी में नहीं चलता, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये आर्य लोगों की परंपरा है जो आज भी हम लेके चल रहे हैं। आप लोग मंच पे खड़े होते हो या किसी के सामने आमने सामने बातें करते हो, जैसे मैं छोड़ के क्या राम राम, राम राम, राम राम, ये राम कौन है भाई, राम कौन है कोई मुझे बताएगा? जिसको भी देखू राम 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 राम, अरे भाई ये कौन है राम राम जो तुम्हारे जीवा पे बैठा है, जो तुम्हारे जबान में बैठा है, निकाल कर फेंक दो, ये हमारा नहीं है, ये आर्य का है जिसने हमारे संस्कृति को मिटाने की पूरी कोशिश की है। छोड़ो ये, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, राम राम बोलना छोड़ दो, राम राम नहीं है, सेवा जोहार बोलो, जय सेवा बोलो, सेवा जोहार बोलो। क्यों राम राम बोलते हो? तुम्हारे वजह से तुम्हारी संस्कृति मिट रही है, ये गोंडों की संस्कृति मिट रही है क्योंकि हमने हमारा छोड़ के दूसरे का पकड़ के रखे हैं। और हमारा किधर गया? हम हमारे बच्चे के तरफ ध्यान नहीं है लेकिन दूसरे का बच्चा पाल रहे हैं, दूसरे का बच्चा हम पाल रहे हैं, हमारा बच्चा हमको मालूम नहीं कहाँ भटक रहा है, ये हमारे दादा परदादा ने किया और आज हम कर रहे हैं। आज हमने किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको क्या बताएगी, बोलेंगे आपने क्या पाया, हमको हमको क्या पढ़ाए, क्या दिए संस्कार हमको, जय ब्रह्मा विष्णु की पूजा करा, ब्रह्मा कौन है अपने बेटियों के साथ में संभोग करने वाला, अपने बेटियों के साथ में संभोग करने वाला उस ब्रह्मा को आप बोलते हैं सृष्टि का रचयिता, जिसने अपने बेटियों
के साथ में शादी रचा के उनके साथ में संभोग किया। गायत्री मंत्र पढ़ते हो?